नमस्कार के हरियाणा पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। पिछले लगातार 10 दिनों से किसान लगातार आंदोलन कर रहे थे, धरना दे रहे थे, लगातार हड़ताल पर थे कि शहर में ना तो वो सब्जियां और फल लेकर के जाएंगे और ना ही शहर से कोई सामान खरीद करके लाएंगे। तो ऐसे में आज 11वें दिन 11 जून को किसान ये ट्रैक्टर रैली निकाल रहे हैं। ट्रैक्टर रैली के माध्यम से यहाँ पे सरकार को चेताने का प्रयास कर रहे हैं कि 10 दिनों तक लगातार हड़ताल के बाद भी सरकार ने उनकी मांगे नहीं मानी, तो 11वें दिन रोज स्वरूप यहाँ पे किसान ट्रैक्टर रैली निकाल करके शहर भर में यहाँ पे रैली निकाली जा रही है किसानों के द्वारा, और पूरे शहर भर में ट्रैक्टर रैली के माध्यम से सरकार को यह संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं कि किस प्रकार से किसान एकजुट हैं, एक हैं, और किसान अपनी एकता को लेकर के इस ट्रैक्टर रैली के माध्यम से यही सरकार को मैसेज देना चाहते हैं कि सरकार उनकी मांगे माने। तो यहाँ पे ट्रैक्टर रैली के माध्यम से किसानों के द्वारा ये संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि आखिर किसान एक है और किसानों की जितनी मांगे हैं वो वाजिब हैं, उनकी मांगे मानी जानी चाहिए। इसी के मद्देनजर आज अनाज मंडी से शुरू होकर के ये ट्रैक्टर यात्रा जो आप देख रहे हैं, ट्रैक्टरों की जो लाइन है वो निकली हुई है, वो निकल रही है। किसान हर ट्रैक्टर पे एक से लेकर के दो किसान, तीन किसान बैठे हुए हैं। जिस तरह से मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार ने बयान दिया था किसानों के प्रति, किसानों को लेकर के कि किसानों की मांगे बेवजह हैं और ये हड़ताल बेवजह वो कर रहे हैं, तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि किसानों ने रोज स्वरूप इस ट्रैक्टर रैली का आयोजन किया है। ये ट्रैक्टर रैली निकाली जा रही है पूरे शहर भर में, ये ट्रैक्टर यात्रा यहाँ से निकलने जा रही है। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि आखिर ये लोग इस ट्रैक्टर यात्रा को लेकर के क्या कहते हैं, ट्रैक्टर रैली को लेकर के क्या कहने वाले हैं, किस तरह से वो इस रैली को लेकर के उत्साहित है, और आखिर ये रैली क्यों की जा रही है। चलिए किसान आंदोलन का 11वें दिन किसान ट्रैक्टर ट्राली लेकर के शहर भर में प्रदर्शन कर रहे हैं, तो उनसे जानते हैं किसानों से कि आखिर आज की इस रैली का मुख्य एजेंडा क्या है, मुख्य मकसद क्या है। युवा किसान हमारे साथ मौजूद है। सर, आप क्या कहना चाहेंगे कि आज की जो ट्रैक्टर रैली है ये किस रिगार्डिंग है? ये आज की रैली है जो किसान युवा जो जाग चुका है सिरसा का, पूरे हरियाणा का, अभी पहले हमने की है। इसका मुख्य मकसद दो है, किसान की जो भी मांगे, हमारी तीन मांगे है जी। नंबर एक तो कर्जा मुक्त, किसान का जो भी कर्जा है, और जो इस 10 दिन के आंदोलन के अंदर जो भी हमारे खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए हैं, जो भी कोई गलती हुई है उसको सर पूरा खारिज किया जाए, और तीसरा सेमिनार रिपोर्टर लागू करना। सिर्फ हमारी तीन ही मुख्य मांगे हैं जो सरकार को हम दिखाना चाहते हैं। अभी सिरसा का किसान जाग चुका है और इसकी किसानों की सारी मांगे पूरी की जाए। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहते हैं, सरकार कह रही है कि किसानों की मांगे बेवजह हैं, तो हम ये सरकार से पूछना चाहते हैं कि जो टैल पे रहते हैं नहर के, उनके लिए पीने का पानी नहीं है और बिजली भी नहीं है, और किसान बहुत ज्यादा दुखी है, कर्जे के नीचे दबा हुआ है, तो कुछ ना कुछ मांगे हमारी पूरी की जाए सरकार से। सर, किसान एकता की पार्टी चल रही है जो बढ़िया चल रही है, और किसान अपना हक लेकर रहेंगे। जो भी सरकार कर रही है वो अन्याय कर रही है हमारे को, और हमारे को जो सही निर्णय नहीं मिल रहा, पैसे जो किसान कर्ज के नीचे दबा हुआ है वो नहीं मिल रहा। ये रैली कहाँ तक जाएगी, कहाँ कहाँ से होती है रैली? ये रैली जो उपायुक्त महोदय के कार्यालय तक जाएगी। आज की रैली जो है बहुत बड़ी अच्छी जो है ना, अच्छा संगठन का संदेश दे रही है ये रैली, और ये रैली कपास मंडी से चल करके बाजार में से होती हुई
अभी जो हम डीसी कार्यालय में पहुंचेंगे और डीसी साहब को हम ज्ञापन देंगे और ज्ञापन में ये लिखा है कि डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू किया जाए और इसके बाद जो डिस्ट्रिक्ट सरसा में जिस पुलिस ने बर्बरता के पूर्ण से जो केस बनाए हैं 1 से 10 तारीख के बीच में किसानों पर जो रोड रोकने के, उनके भी हम कहते हैं सरकार से मांग करते हैं कि उनके केस वापिस लिए जाएं और हमारे नौजवान साथी जो 50 जेलों में बंद हैं उनको तुरंत प्रभाव से रिहा किया जाए। और जिस प्रकार से कर्मचारी एक रिटायरमेंट होता है, जिस जो कर्मचारी रिटायरमेंट होता है वो तनख्वाह लेता है, उसी प्रकार से अगर किसान रिटायरमेंट होता है 60 साल के बाद तो उसे भी 8,000 से 10,000 की पेंशन की मांग भी हमारी है। और इसी प्रकार से देश के प्रधानमंत्री जी ने यह कहा था कि मैं युवाओं को 2 करोड़ की नौकरी दूंगा, तो आज युवा भी सारा सड़क पर है, यही हाल है। अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होते, तमाम मांगे जो आप ज्ञापन के माध्यम से मांगने वाले हैं, तो अगला कदम आपका क्या होगा? अगला कदम अभी हम सरकार को 40 दिन का टाइम देंगे और 40 दिन के बाद अगर इनको फिर भी कोई असर नहीं हुआ तो इसके बाद बहुत बड़ा आंदोलन जो है पूरे हिंदुस्तान में खड़ा करेंगे। चलिए शुक्रिया। तो यहाँ पे साफ तौर पे कहना है किसानों का कि 5 सूत्रीय मांगों को लेकर के आज की यह जो ट्रैक्टर रैली का आयोजन किया गया है और इस रैली के माध्यम से किसानों ने उपायुक्त महोदय से एक मांग पत्र के माध्यम से मांग की है कि उनकी तमाम मांगों को पूरा किया जाए। यदि इनकी मांगे पूरी नहीं होती है तो सरकार को 1 महीने का 40 दिन का माफ कीजिएगा समय दिया जाएगा और 40 दिनों के अंदर अगर इनकी मांगे पूरी नहीं होती है तो आने वाले समय में बड़े आंदोलन की चेतावनी यहाँ पे किसानों द्वारा दी गई है। फिलहाल आगे हम आपको उपायुक्त महोदय के ऑफिस में ले चलते हैं, दफ्तर में ले चलते हैं कि आखिर किस प्रकार से मेमोरेंडम वहाँ पे सरकार को दिया जाता है, उपायुक्त महोदय को दिया जाता है और उसके बाद की आगे की क्या कार्रवाई रहती है वो देखने के लिए आप लगातार बने रहिएगा के हरियाणा के साथ।